मशहूर तालिब साहब जो मलेरकोटला से और दूसरे पहलवान जो है राकेश जी बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ से ताल्लुक रखते हैं। राकेश जी पहला सेमीफाइनल कौर से देखिए राकेश जी बिलावर डिस्ट्रिक्ट कठुआ से ताल्लुक रखते हैं। राकेश जी पहला सेमीफाइनल कौर से देखिए आप यहाँ आए आपने इवेंट की रौनक बख्शी इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम कलेश निवासी से गुजारिश बेल्जियम साहब के लिए स्पेशल बेल्जियम साहब के लिए उन्होंने जो कलेश को डेवलप करने का एक थाना है अपनी तरफ से जो रोड के सिलसिले में सड़कों के सिलसिले में वो अक्षिण दिखा रहे हैं उसके लिए हम उनकी तारीफ किए बगैर यहाँ नहीं रहेंगे। बिल्कुल जाना होगा। एल्जम साहब ने अपने दौर में अच्छे काम कराए पुराने रोड होते हैं उनके बिना इसके लिए हम हमारी बलेसा की तरह से ये बलेसा जो है पूरी आज यहाँ जमा हुई है आप पूरे बलेसा जहाँ भी जो इन स्कूल था एल्जम साहब की सुपरविजन में सारा खत्म हो गया है इसलिए हम इनको बलेसा का हीरो मानते हैं और बहुत बहुत मुबारक दिल से पूरे बलेसवासी की तरफ से दिलखुसूस कमेटी की तरफ से दिलखुसूस बलेसा एक्शन कमेटी की तरफ से बिल्कुल बहुत बहुत मुबारक और उनका खुश आमदीद कहते हैं हम सर यहाँ बहुत बहुत मुबारक हो एक्शन साहब शुक्रिया शाहनवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रेफरी साहिबान पूरी नजर बनाए रखे हैं क्योंकि ये आज का पहला सेमीफाइनल होने जा रहा है। रेफरी साहिबान बिल्कुल नजर बनाए रखे हैं। रेफरी साहिबान आज का पहला सेमीफाइनल जीत करना है जीत करने पे ही आप फाइनल में पहुंचोगे फाइनल में प्रवेश करोगे। बहुत जबरदस्त गोल आज का बड़ा और जबरदस्त गोल बिल्कुल आज का बहुत जबरदस्त गोल जबरदस्त गोल साहब बिल्कुल बड़ा मजा आ रहा है बहुत जबरदस्त खाने साहब बहुत जबरदस्त गोल। मैं रियाज साहब बनाई को यहाँ कमेंट्री बॉक्स में दावत देता हूँ रियाज साहब बनाई बिल्कुल हमें हमारे फ्रेंड पे बैठे हैं और उनके साथ फारूक साहब रियाज साहब बनाई और फारूक साहब जो हैं वो यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आए राकेश और तालिब के दरमियान बहुत दिलचस्प मुकाबला तालिब के दरमियान रेबी साहब जी रेबी साहब यहाँ रियाज साहब बनाई और राकेश और बनाई है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहता है वो सेमीफाइनल पहला खेल रहे हैं अब हम सुनना चाहेंगे उनकी तरफ से वो कितना ऐलान करते हैं यहाँ पे बिल्कुल पहलवानों के लिए उनका ऐलान करते बिल्कुल सुनने की देरी है। हर रेसलिंग में जो है हर गोल पे उनका इनाम रहते हैं पहले भी हमने देखा बहुत ही फेयर दंगल। ये सारा क्रेडिट हमारे आज के जो रेफरी साहिबान है हमारे सदर मोहम्मद अशरफ कोहली साहब बिल्कुल ओम प्रकाश जी गुंडो चौधरी लाल हुसैन साहब पानिया ये इनको जाता है जिनकी रेफरी की वजह से एक बहुत अच्छा दंगल अकदाम पजीर की ओर बढ़ता हुआ पांडे साहब बिल्कुल रेफरी साहब क्योंकि रेफरी हजरात का जो रोल रहता है वो एक की रोल रहता है क्योंकि अगर रेफरी हमारे अच्छे नहीं हो तो यकीनी तौर पे बड़ी दिक्कत होती है पहलवान हजरात को। लेकिन जिस किस्म की रेफरी हमारे रेफरी ने दी है जिसने कोहली साहब हमारे सदर भी के सदर हैं केवल सिंह हमारे चेयरमैन ओम प्रकाश ओम प्रकाश जी जो है बहुत सालों से हम देख रहे हैं इनको यहाँ रेफरी करते ये रियाज साहब जी भारत के बहुत अच्छे पहलवान थे ओम प्रकाश जी रफी साहब रियाज साहब का शुक्रिया रियाज साहब हैं फारूक साहब हैं उनकी एक तरह से जल्दी ही अनाउंसमेंट हो जाएगी रफी साहब ये हमारे दोनों कॉन्ट्रैक्टर हैं बलेसा के बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं एक क्लास के कॉन्ट्रैक्टर हैं जल्दी हम अनाउंस सुनना चाहेंगे बड़े अच्छे तावन की उम्मीद है हमें अखाड़े के बाहर नहीं बिल्कुल अखाड़े के अंदर तालिब जी राकेश जी बिल्कुल अखाड़े के अंदर बहुत अखाड़े से आज का अखाड़े से बाहर रफी साहब आज का जबरदस्त मुकाबला रफी साहब अखाड़े से बाहर जो है पहलवान को जाने की इच्छा
हमने उसी लिए अखाड़ा बहुत बड़ा बनाया, बिल्कुल अखाड़े के अंदर घुलना होगा। पहलवान भागने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हमने ये बहुत बड़ा अखाड़ा बनाया हुआ है और अखाड़े के बाहर कुछ नहीं चलेगा। बहुत जबरदस्त राकेश और तालिम के बीच में, राकेश और तालिम के बीच में बहुत दिलचस्प मुकाबला, बहुत जबरदस्त मुकाबला, बहुत जबरदस्त जबरदस्त मुकाबला, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त राकेश और तालिम के बीच में। फिरदौस भाई बहुत जबरदस्त, हमारे पहलवान ये हमारे रेफरी साहिबान बिल्कुल स्पेशल खराब हो रहे हैं रेफरी साहब, एक्शन कमेटी उनको यहाँ आने पे खुश आमदीद करती है, वेलकम करती है। उनका इस जंगल को, उनका इस जंगल में बहुत सारा कानून रहा है, परमिशन हिस्सा है इसका। ग्राउंड के अंदर हम बार बार अनाउंसमेंट करते हैं रवि साहब, जी तो हम बार बार अनाउंसमेंट करते हैं किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है भाई, ग्राउंड के अंदर कोई नहीं आएगा वरना फोर्सफुली बाहर। प्लीज सरकार से गुजारिश करता हूँ कि अगर किसी ने भी अंदर आने की इजाजत, हाँ कोई भी जो अंदर आएगा फिर हमारे पास यहाँ तस्लीम साहब है, हम भेज देंगे उनको। अगर किसी ने भी आप अंदर आने की कोशिश की ये सेमीफाइनल पूरा मंत्री के सवरा बहुत जबरदस्त कुश्ती, बहुत अच्छा मुकाबला। तो आज इस एक्शन कमेटी जो बलैसा मजा आ रहा है इस टनल का, इसमें एडीएम साहब का पूरा पूरा ताऊ रहा है, हम उनका क्या शुक्रिया अदा करते हैं। हम कहते हैं पहले एडीएम साहब हैं जो जिसको पूरा बलैसा हीरो मानता है, छह छह साल दस दस साल जो सड़कें थी उनको वाद कर दिया है आवाम के लिए, तो स्पेशल तालियां उनके लिए। आईजीएम गुंडो, आईजीएम गुंडो, तो हमारे एक्सएमएलए विधायक दिलीप सिंह परियार जो अपनी परंपरा को निभाते हुए यहाँ के भाईचारे को एक करते हुए पीस करने में हिंदू मुसलमान जो है उसका पीस सारा सारा हमारे विधायक एक्सएमएलए को जाता है दिलीप सिंह परियार, स्पेशल ताले उनके लिए स्पेशल। और यहाँ बहुत अच्छा मुकाबला जो होने जा रहा है सेमीफाइनल, इसके बाद और सेमीफाइनल होगा, लेकिन बीच में दो चार घोल होंगे, उस घोल के बाद स्पेशल घोल होंगे, उनके बाद सेमीफाइनल होगा, सेमीफाइनल के बाद जो है फाइनल होगा, उसके बाद फाइनल सेरेमनी होगी, उसके चीफ गेस्ट हमारे हमारे विधायक एक्स विधायक दिलीप सिंह परियार है और गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे आईजीएम साहब जल साहब हैं और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर सुचो साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, जो रेफरी 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 जो रेफरी जाएगा रेसलिंग मेला फाइनल शेप रखते हुए। तो देखिए बाहर से किसी को बोलने की रेफरी इधर बैठे हैं, बस ठीक है, हाँ, है बिल्कुल रेफरी बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं। और ये क्यों इधर गया, और ये क्यों इधर गया, ये बाहर इसका अंदर तो आने करें, सेमीफाइनल क्वालिफाई किया पहले सेमीफाइनल ताली पहलवान, ताली पहलवान ने ताली 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 पहलवान ने आज का पहला सेमीफाइनल जीत लिया है और ताली पहलवान जो है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। ताली एक बार लगातार तालियां ताली पहलवान के लिए। रफी साहब दूसरा सेमीफाइनल जीने के लिए।